Welcome to Rizvi's e-learning channel. Now class, we are moving to study about different boundary conditions. तो different boundary conditions के लिए, other boundary conditions के लिए जो आपकी depend करती है physical situation पे, तो हमारे पास कुछ situations होंगी जिस पर हम boundary condition apply करेंगे और देखेंगे कि किस rate से heat का transfer हो रहा है एक्सटेंडेड सरफेस पर. तो केस वन हमारे पास यहाँ पे है जिसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारे पास फिन मटेरियल है वो फिन इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और जब फिन इनफाइनाइटली लॉन्ग है मतलब उसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ही ज्यादा है. तो उस केस में जो उसका टेम्परेचर होगा, फिन का टेम्परेचर होगा, वो एम्बिएंट टेम्परेचर के बराबर होगा. ऑब्वियसली अगर थोड़ा पार्ट होता तो फिन का कुछ अपना टेम्परेचर होता, लेकिन जब इन्फिनाइटली वो सरफेस सराउंडिंग्स में रखा हुआ है तो उस जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वही उस फिन मटेरियल का भी टेम्परेचर हो जाएगा. तो इस केस में जो आपकी बाउंड्री कंडीशन आएगी वो होगी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स इनिशियल ऑफ द फिन. तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर टेम्परेचर जो होगा टी इज इक्वल टू टी जीरो, ऑब्वियसली यहां मेंशन है. और वी कैन से दैट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर थीटा इज इक्वल टू थीटा जीरो होगा टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है एक्स इज इक्वल टू इंफेनाइट. एक्स इज इक्वल टू इंफेनाइट पर टी इज इक्वल टू टी ए है, यानी कि टेम्परेचर जो है फिन का वो उस समय एम्बिएंट टेम्परेचर के बराबर है. और यहां पर पहले वाले कंडीशन में एक्स इज इक्वल टू जीरो पर टी इज इक्वल टू टी जीरो था, तो टेम्परेचर क्या था, टी माइनस टी ए की वैल्यू टी जीरो माइनस टी ए के बराबर थी. जब एक्स इज इक्वल टू इनफिनाइट हो गया, हम यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से देखे तो ये इनिशियल पॉइंट और इसको हम इनफिनाइट वाला एंड पॉइंट मान लेते हैं. तो एक्स इज इक्वल टू इनफिनाइट पर, और वी कैन से दैट कि जो टी आपका टी ए है या थीटा इज इक्वल टू जीरो है. उस केस में दो बाउंड्री कंडीशन आपके पास है, और दो बाउंड्री कंडीशन आपके पास होने पर जब आप अप्लाई करोगे इसको, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इसको इक्वेशन नंबर एट में. इक्वेशन नंबर एट हमारे पास लीनियर होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसका वैल्यू क्या था, थीटा इज इक्वल टू सी वन ई की पावर एम एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एम एक्स. जब हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट करने के पास हमारे पास जो वैल्यू आएगी थीटा इज इक्वल टू थीटा जीरो ई की पावर माइनस ऑफ एम एक्स, ये वैल्यू आपकी हट जाएगी. क्यों? क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल पे एक्स की वैल्यू आपकी जीरो है, तो पूरा टर्म आपका जीरो ही हो जाएगा. रेट ऑफ हीट फ्लो, इस केस में जो आपका बेस ऑफ फिन पर रेट ऑफ हीट फ्लो आएगा वो क्या होगा, थीटा ऑफ फिन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी एच के ए सी एस टी जीरो माइनस टी ए. इस केस में रेट ऑफ हीट फ्लो आएगा. अब सेकेंड आपका जो कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन ये है कि जो फिन है वो आपकी इंसुलेटेड हो, और कहां पर इंसुलेटेड हो, बाहरी जो उसका सरफेस है एंड पर वो इंसुलेटेड हो, उस पर कोई कोटिंग की गई हो. उस केस में जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो थीटा की वैल्यू थीटा जीरो होगी, और एक्स की वैल्यू जब एल ले लेंगे देन एक्स इज इक्वल टू एल, तो वहां पर डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो हो गई क्योंकि हमने उसको इंसुलेट किया हुआ है. तो जो आपका dt by dx का टर्म है वो जीरो है. अब हम यहाँ पे जब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की वो होगी थीटा अपॉन थीटा जीरो इज इक्वल टू टी माइनस टी ए अपॉन टी जीरो माइनस टी ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ एच एम एल माइनस एक्स कॉस एच एम एल, जहां पे एच क्या है, हीट ट्रांसफर कोफिशियंट है. अब जब हमने ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की है तो जहां पे ये कॉस ऑफ एच एम एल माइनस एक्स है, इसकी वैल्यू क्या है, ई की पावर एम एल माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एम एल माइनस एक्स अपॉन टू के इक्वल है. कॉस एच एम एल की जो वैल्यू है, कॉस एच एम एल की जो वैल्यू है वो ई की पावर एम एल प्लस ई की पावर माइनस एम एल अपॉन टू के इक्वल है. और यहां पर हम वैल्यूज को पुट भी कर सकते हैं, और थीटा या थीटा जीरो में से जो भी वैल्यू आपको पूछी जाएगी वो वैल्यू हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं. देन रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम द फिन जो इस कंडीशन में होगा
fin is equals to under root of THK ACS T0 minus TA tan of H ML के बराबर होगा. हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर या हीट फ्लो फ्रॉम द फिन इन केस ऑफ द एंड ऑफ द फिन इज इंसुलेटेड. नाउ मूविंग टू केस थ्री. केस थ्री में द फिन ऑफ फाइनाइट लेंथ एंड लॉसेस हीट बाय कन्वेक्शन. फिन की जो लेंथ है वो फाइनाइट है, मतलब कि हम उसे मेजर कर सकते हैं, कुछ लिमिटेड लेंथ है, और जब लिमिटेड लेंथ है तो वहां पे हीट लॉस भी हो रहा है. हीट लॉस कब हो रहा है? जब फिन पर कन्वेक्शन हो रहा है, यानी कि कोई सराउंडिंग मीडियम या कोई एयर है जो कि टेम्परेचर रिड्यूस करने का काम कर रही है, तो वहां पे हीट का लॉस हो रहा है. तो उस केस में जो आपकी बाउंड्री कंडीशंस है वो है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर थीटा इज इक्वल टू थीटा जीरो. और सेकेंड कंडीशन है कि हीट कंडक्टेड टू द फिन एट एक्स इज इक्वल टू एल. जब आपकी एक्स इज इक्वल टू एल पर हीट कंडक्ट हो रही है, वही हीट इक्वल है हीट कंडक्टेड फ्रॉम द एंड टू द सराउंडिंग. सराउंडिंग पे जो फिन का एंड है वहां से जो हीट कन्वेक्ट हो रही है उसके बराबर. और आप कह सकते हैं जो हीट आपकी कंडक्ट होके जा रही है वो इक्वल है जो हीट आपकी कन्वेक्ट हो रही है उसके बराबर. तो इस केस में आप कह सकते हैं कि माइनस के ए सी एस डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू एच ए ऑफ एस यू टी माइनस टी ए. जहां पे ए ऑफ एस यू क्या है? सराउंडिंग का एरिया है, टी ए एम्बिएंट का टेम्परेचर है. अब जहां पे हम देखने जा रहे हैं कि जो सराउंडिंग का एरिया है या सरफेस एरिया है, आप जिसको ए एस यू बोल रहे हैं, सरफेस एरिया है, और वो भी सरफेस एरिया उस प्लेस पे है जहां पे हीट ट्रांसफर जो है वो कन्वेक्शन के रूप में हो रहा है, यानी कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हो रहा है. उस केस में एट द टिप ऑफ द फिन जो है, फिन के जो टिप है वहां पर जो आपका एरिया है ए सी एस जिसको आप कह रहे हो, वो बराबर है सराउंडिंग के एरिया के ए और एस यू के टिप पर. तो उस केस में डी टी बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस एच थीटा अपॉन के. कब? जब एच की वैल्यू एल के बराबर है, यानी कि टिप टिप पॉइंट पर, फिन के टिप पर क्रॉस सेक्शनल एरिया सरफेस एरिया के बराबर है. और उस केस में आपका डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एच थीटा अपॉन के इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू एल पर है. अब यहां पर हम बाउंड्री कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन एट जो हमारे पास लीनियर एंड होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल बाउंड्री कंडीशन की इक्वेशन वहां पर लगाएंगे, तो थीटा बाई थीटा जीरो इज इक्वल टू टी माइनस टी ए अपॉन टी जीरो माइनस टी ए इज इक्वल टू कॉस एच एल एल माइनस एक्स प्लस एच अपॉन के एम साइन एच एम एल माइनस एक्स अपॉन कॉस एच एम एल प्लस एच अपॉन के एम साइन ऑफ एच एम एल. ये आपका क्या है? थीटा बाई थीटा जीरो की वैल्यू है, या टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन रेट आप कह सकते हैं. तो यहां से आपको जो भी वैल्यूज दी हुई होगी, एल की वैल्यू पता है, एक्स की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता होगी, तो वहां पे एम की वैल्यू पता होगी, थीटा या थीटा जीरो में से किसी एक की वैल्यू पता होगी, या फिर टी और टी ए में से किसी एक की वैल्यू, या टी जीरो में से किसी की वैल्यू पता होगी, और किसी एक की वैल्यू अननोन होगी, जो आप यहां से फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन में. अब इस केस में कि जब फिन की जो लेंथ है वो फाइनाइट है और वहां पे कन्वेक्टिव हीट लॉस हो रहा है, तो रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू द फिन जो उस समय हो रहा होगा वो इक्वल होगा क्यू फिन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी एच के ए सी एस टी जीरो माइनस टी ए ब्रैकेट में टेन ऑफ एच एम एल प्लस के एच अपॉन के एम अपॉन वन प्लस एच अपॉन के एम टेन ऑफ एच एम एल. जहां पे एच क्या है? हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, एल लेंथ है, और ये पूरा आपका रेट ऑफ हीट फ्लो की इक्वेशन है, पैरामीटर है, K
के आपका थर्मल कंडक्टिविटी है, ए सी एस जो है वो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, टी जीरो आपका टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर है और टी ए एम्बियंट टेम्परेचर है. दिस इज ऑल अबाउट सेंस ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, जहां पे आपने डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट केसेस में फिजिकल कंडीशंस में फिन पर किस रेट से कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है उसकी हमने स्टडी की, उसको हमने फाइंड आउट किया. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू क्लास. ये हो गई आपकी दूसरी बाउंड्री कंडीशन.